एसपी सिंघम श्री विजय ढुल के आदेशों को अनदेखा कर रही है खीरी पुलिस। खीरी एसपी के निर्देशों का मजाक बना, कुछ पुलिसकर्मी कर रहे हैं पुलिस की छवि धूमिल। बीते एक हफ्ते में 3 अलग अलग थानों से यह मामले सामने आए हैं, जहां खीरी एसपी विजय ढुल के निर्देशों व उनके प्रयास को उनके ही कुछ पुलिसकर्मी फेल करते दिखाई दे रहे हैं। पहला मामला थाना संपूर्ण नगर का है, जहां पर प्रताड़ित युवक खुद बिना हेलमेट पुलिसकर्मी का वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ा। दरोगा जी ने अपने ही हमराही के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग कर युवक की पिटाई कर दी। युवक के गुहार का वीडियो वायरल हुआ। मेरा नाम अवधेश कुमार है, मैं ग्राम नगर का निवासी हूँ। मैं कल शाम को समय नगर आवश्यक कार्य के लिए गया था। तो किस काम से गए थे? शादी घर में पड़ा है ना। हाँ। तो मैं कार्ड वोट बांटने गया था, तो शाम को वापस में लियाकत के घर के सामने सिपाही लोग खड़े थे। कहाँ पे? लियाकत के घर के सामने। किस जगह? सुमेर नगर। अच्छा। तो इन्होंने रोक लिया हमें। तो कहे कि कागज वगैरह है? कहते हैं हाँ कागज है, डीएल भी है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा चलान कट गया। तो मैंने पूछा कि किस पे चलान काटे भाई? तो क्या बता रहे हैं? उन्होंने कहा कि हेलमेट पे काट दिए। हम कहें चलो ठीक है, काट दिए तो अच्छी बात है। तो 10 सेकंड में रुक गया, फिर वो लोग चलने लगे आगे आगे। दो गाड़ियाँ थी, तीन सिपाही वाले थे और एसआई शिव कुमार भी थे। अच्छा। तो मैं उनका वीडियो बना लिया, क्योंकि वो भी बिना हेलमेट के थे। अच्छा, क्या सिपाही अकेला दरोगा बैठा था हेलमेट उस पे बाइक पे और भी साथ में? दो लोग थे। अच्छा, दो लोग थे। हाँ। हेलमेट नहीं लगा हुआ? नहीं, बिना हेलमेट के थे। तो मैं उनका वीडियो बना लिया। तो फिर आगे राम ज्ञान के घर के सामने उन्होंने हमें रोक लिया रास्ते में। अच्छा। और हमें मारे भी और मोबाइल भी छीन लिए। अच्छा, कहीं चोट लगी है क्या? हाँ, आँख में लगी है। कहाँ? दूसरा मामला थाना पलिया कोतवाली के दरोगा जी का है, जो दूसरों के खिलाफ मास्क के चालान करते हैं, खुद अपना मास्क लगाना भूल जाते हैं। यही नहीं, दरोगा जी खुद भी बिना हेलमेट के कई बार बाजार बाइक से फर्राटे भरते दिखाई दिए। तीसरा मामला तिकुनिया कोतवाली का है, जहां पुलिस अधिकारी लकड़ी ठेकेदार से कर रहे हैं परसेंटेज की बात। जो पेपर उनके हाथ में है उससे तो वह पढ़ना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, बस अपने ही जुगाड़ में लगे हुए हैं। कोतवाल साहब ने खुद अपनी ही जुबान से बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए खुद को कबूला, लकड़ी व मिट्टी से मिला पैसा केवल मंदिर में खर्च करते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पर कर रहे हैं अवैध वसूली। शासन को बदनाम करने की जा रही है साजिश। खीरी एसपी सिंघम को लेना चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन, तभी सुधरेगी कानून व्यवस्था, तभी नियम कानून का पालन करना ऐसे पुलिस अधिकारी भी सीखेंगे, तभी बदलेगी जिला लखीमपुर खीरी की तस्वीर। जय हिंद। यूसुफ इदरीसी की रिपोर्ट। तो क्या है, परसेंटेज भी निकालता है ना, हम लोग थोड़ी निकालते हैं। जो जैसे जो हमेशा कमाता है उसको पता है हमारा इतना माल है, ये है, ऐसा है, ऐसा है। मतलब जैसे मीडियम गाड़ी पे आपका तो बारे में नहीं पता रहता हमें खुद है। हम ज्यादा बातों नहीं करते, या तो ड्राइवर साहब करते या कोई और करता है, अलग अलग काम नहीं करते ना। बात सही है ना? तो फिलहाल ये आप? हाँ, तो हम नहीं लेते हैं ना, लेगा कोई और आपकी लकड़ी का।